9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांटाफोर नगर के मुख्य मार्ग पर बाधित 199 मकानों पर दुकानों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाधक हिस्सों को बुलडोजर के माध्यम से जमींदोज किया। प्रशासन द्वारा पूर्व में अनेकों बार नगर के मुख्य मार्ग पर बाधक हिस्सों को चिन्हित कर संबंधित को सूचना पत्र जारी किए गए थे। साथ ही प्रशासन द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी भी करा दी गई थी। सुबह से ही प्रशासन की टीम मुस्तैदी दिखाई दी। प्रशासनिक कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों ने बाधक हिस्से से अपने सामान हटाते हुए स्वयं ही निर्माणाधीन हिस्सों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। प्रशासन द्वारा कांटाफोर्ड नगर के मुख्य मार्ग में आवागमन को बंद कर जेसीबी मशीनों एवं पोकलेन मशीनों के माध्यम से कार्यवाही शुरू की। मुख्य मार्ग में बाधित स्थानों से 199 मकान व दुकान हटाए, जिस पर 40 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा। कार्यवाही के दौरान करनोद SDM अभिषेक सिंह बागली, SDOP सतवास तहसीलदार प्रियंका चौरस, सिया नायब तहसीलदार संगीता महतो, नगर परिषद अधिकारी सतीश घावरी, थाना प्रभारी KS परस्ते के मार्गदर्शन में प्रशासनिक अमले के द्वारा कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान नगर परिषद पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, विद्युत विभाग की टीम मौजूद रही। मुख्य नगर पालिका अधिकारी की तरफ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाना थे, जिनमें पूरा प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा और इसमें 189 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।